हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन सेकेंड, वेयर इज साइंस टेकिंग अस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने लेसन वन द हैप्पी प्रिंस को डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने लेसन वन नहीं किया तो प्लीज़ आप लेसन वन कर लीजिए। आपको द हैप्पी प्रिंस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन टू के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर शुरू कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वेयर इज साइंस टेकिंग अस। जो हमारा ये चैप्टर है वेयर इज साइंस टेकिंग अस के जो ऑथर है वो कौन है। तो कौन है हमारे ऑथर? तो ऑथर है इनके डॉक्टर S.W. पेनिक्विक। सो फ्रेंड्स, ये याद रखना, नाम जो ऑथर थे वेयर इज साइंस टेकिंग अस के वो हैं डॉक्टर S.W. पेनिक्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू क्वेश्चन अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नया प्रश्न है जो हमारे सामने अराइज हुआ, यानी कि हमारे सामने ऐसा कौन सा नया क्वेश्चन उठा है। तो वो क्वेश्चन है वेयर इज साइंस टेकिंग अस, यानी कि ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये हमें लेकर कहाँ जा रहा है। तो हमारा चैप्टर भी इसी पर बेस है। हमारा जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आया, पुट हुआ है नया, वो भी हमारे यही है वेयर इज साइंस टेकिंग अस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच थिंक डज द ऑथर फर्स्ट टेक एज अ मटीरियल थिंक। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले जो चैप्टर किया था उसमें भी बताया था मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं भौतिकवादी चीज़ें, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे मशीन्स हो गई हैं, टेलीविज़न हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया। ये क्या चीज़ें हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और नॉन मटेरियल थिंग्स वो होती हैं जिसे हम फील कर सकते हैं। टॉलरेंस, लव, हेट, ये सभी क्या है? नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। तो जो राइटर है उसने जो फर्स्ट चीज़, यानी कि जो फर्स्ट पहली चीज़ कौन सी मटेरियलिस्ट थिंग के रूप में चूज़ की है, तो उन्होंने मशीन को एज अ मटेरियल थिंग लिया है। द ऑथर फर्स्ट टेक द मशीन एज अ मटेरियलिस्टिक थिंक। जो ऑथर हैं, लेखक हैं, उन्होंने भौतिकवादी चीज़ों के रूप में सबसे पहले मशीन को चुना है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी फाइंड मशीन्स। हमें मशीन्स कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती हैं? वी फाइंड मशीन्स इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। हमें मशीन जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकती हैं, हमारे घरों में, गलियों में, सिटीज़ में, सभी जगह हमें मशीन्स देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज मशीन्स गिव अस। मशीन्स हमें क्या देती हैं? मशीन्स गिव अस स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट। हमें स्ट्रेंथ देती हैं, यानी कि पावर देती हैं, शक्ति देती हैं, एंड कंफर्ट यानी कि आराम देती हैं। आर मशीन्स गुड फॉर अस इन ऑल द वेज। क्या जो मशीनें होती हैं, जो मशीन्स होती हैं, हर एक मायने में, हर एक तरीके में गुड होती हैं, अच्छी होती हैं? तो नहीं, नो, मशीन कर्स प्रॉब्लम फॉर अस। ऐसा नहीं होता है, मशीन भी हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, मशीनों के भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो हमें कंफर्ट और स्ट्रेंथ देती हैं और साथ में हमें प्रॉब्लम्स भी देती हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चंस अबाउट मशीन्स कम टू मैंस माइंड। ये कहना चाह रहे हैं कि मैंस माइंड यानी कि मनुष्य के दिमाग में मशीनों के बारे में ऐसा कौन सा सवाल आता है, कौन सा क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है मशीन्स के बारे में। तो इसका आंसर है, मैन वॉन्ट्स टू नो द आंसर अबाउट द पर्पज एंड गोल्स ऑफ मशीन्स।
जो मैन है, जो मनुष्य है, वो जानना चाहता है कि जो मशीन्स के गोल्स और पर्पसेस क्या है, यानी कि उनके उद्देश्य क्या है, उनके लक्ष्य क्या है मशीनों के। क्वेश्चन नंबर 8, विच थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी नाउ, कौन सी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए इस समय में। दे आर अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए, टॉलरेंस सहनशीलता होनी चाहिए, जस्टिस न्याय होना चाहिए, एंड मर्सी दया की भावना होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें इंसानियत में, इंसान में होनी चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ साइंस बीन सक्सेसफुल इन नॉन मटेरियल थिंग्स, क्या जो साइंस है, विज्ञान है, वो नॉन मटेरियल थिंग्स में सक्सेसफुल हो पाया, यानी कि अभौतिकवादी चीज़ों में। अभौतिकवादी चीज़ें यानी जिसे हम फील कर सकते हैं, वो उसमें क्या साइंस सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है? नो, साइंस डज नॉट हेल्प अस इन दिस, नहीं, विज्ञान इसमें सफल नहीं हो पाया है। असल में जो साइंस है उसे तो नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में कोई समझ ही नहीं है, उसे तो सिर्फ मटेरियल थिंग्स के बारे में पता है, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ही जोर देता है। हाउ इज लाइफ हैपनिंग ड्यू टू मशीन्स, मशीनों के कारण जीवन कैसा हो रहा है? तो इसका आंसर है, लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। ये जो मशीन्स हैं, ये मशीनों के कारण जो हमारा जीवन है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर फिनिश होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर ऑफ वेयर इज साइंस टेकिंग अस से दैट साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग। जो चैप्टर के ऑथर हैं, वेयर इज साइंस टेकिंग अस के ऑथर हैं, यानी कि SW पेनिक्विक, उन्होंने ये क्यों कहा है कि जो साइंस है वो डूइंग लेस देन नथिंग, वो कुछ से कम कर रही है। तो इसका आंसर है, साइंस हैज़ डन नथिंग एज फार एज मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आर कंसर्न्ड। जो ऑथर हैं उनका कहना है कि साइंस ने मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज से जो भी चीज़ें कंसर्न हैं, संबंधित हैं, उसमें साइंस ने कुछ नहीं किया है। मैनी एथिकल प्रॉब्लम्स हैव बीन रेज इन दिस, बहुत ही ज़्यादा नैतिक समस्याएं रेज हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं, बट दे हैव नॉट गिवन अ सोल्यूशन, पर उनका उन्होंने कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया है, कोई भी समस्या का हल नहीं बताया है। दैट्स वाई द ऑथर सेज दैट साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग। इसीलिए जो ऑथर हैं उन्होंने कहा है कि जो साइंस है, विज्ञान है, वो कुछ से बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मशीन्स डूइंग फॉर द ह्यूमंस, ये जो मशीन्स हैं ये ह्यूमंस के लिए क्या करती हैं? आंसर है इसका, मशीन्स हैव गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू ह्यूमंस, जो मशीन्स हैं वो व्यक्ति को, मनुष्य को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती हैं, यानी कि असाधारण शक्ति देती है। दे आर हेल्पिंग देम इन एवरी फील्ड, जो मशीन्स हैं वो व्यक्ति की हर एक क्षेत्र में मदद करती हैं। मशीन्स आर वर्किंग एज स्लेव्स टू ह्यूमंस, जो मशीन है वो मनुष्य के गुलाम के रूप में काम करती हैं, एज अ स्लेव काम करती हैं ह्यूमंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ ऑफ साइंस, साइंस की सबसे बड़ी जीत क्या है? तो इसका आंसर है, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड, साइंस ने हमारी मदद की है ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने में। इट हैज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड मैनी न्यू मेडिसन्स, साइंस ने बहुत सारी नई दवाइयों की खोज की है। एंड हेल्प्ड मैन टू लिव लॉन्गर, और व्यक्ति की, मनुष्य की मदद की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जी सके। तो यही है सबसे बड़ी साइंस की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार,
युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, निकलते हैं, क्या परिणाम होते हैं? तो इसका आंसर है वार लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। जो वार होती है वो विनाश करती है और मौत लाती है। सेल्फिश ट्रेडर्स होर्ड ऑल द फूड आइटम्स। जो स्वार्थी व्यापारी होते हैं वो सभी फूड आइटम्स यानी कि जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उसका होर्ड कर लेते हैं यानी कि जमाखोरी करने लग जाते हैं। एंड पीपल हैव टू स्टार्व। और लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो यही है जो नतीजे हैं युद्ध के। क्वेश्चन नंबर 5। टुडे द अपर एज ग्रुप ओवर क्राउडेड वाई। आज के समय में जो अपर एज ग्रुप के लोग हैं यानी कि अबव 60 एज के जो लोग हैं वो इतने ओवर क्राउडेड कैसे हो गए, उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई है, क्या कारण है? तो इसका आंसर है मैनी न्यू मेडिसिन आर बींग डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लगभग हर साल बहुत सारी नई दवाइयों की खोज होती है। दीज मेडिसन्स इंक्रीज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ये जो मेडिसन्स हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये व्यक्ति की एवरेज लाइफ को बढ़ा देती है यानी कि जो व्यक्ति की औसत अवधि है उसको इंक्रीज कर देती है। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम क्या निकलता है, द नंबर ऑफ ओल्डर पीपल हैज़ इंक्रीज अ लॉट। जिसका परिणाम ये निकलता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो ओल्डर पीपल हैं, जो अपर एज ग्रुप के पीपल हैं, वो उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हैपन टू द एथिक्स एंड मॉरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक संसार है, इसमें जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिकता है, इसे क्या हो चुका है? तो इसका आंसर है इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरी पर्सन इज रनिंग आफ्टर इंटेलेक्चुअल एंड मटीरियल थिंग्स। आज के समय में, आधुनिक संसार में, हर एक व्यक्ति मटीरियल थिंग्स के पीछे भाग रहा है। सभी को भौतिक चीज़ें वादी जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, उसके पीछे भाग रहा है। नो बडी केयर्स अबाउट एथिक्स एंड मोरलिटी। किसी को भी एथिक्स और मोरलिटी के बारे में कोई ध्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। आज उस संसार को वास्तव में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो इसका आंसर है टुडे मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर नीडेड इन द वर्ल्ड। आज के समय में संसार को मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड टू डिवेल्प फीलिंग्स ऑफ। आज संसार को ज़रूरत है कि लोगों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हों, फीलिंग्स आए। किस चीज़ की फीलिंग्स आए? चैरिटी, दान की भावना आए, काइंडनेस, दया की भावना आए, एम्पथी, सहानुभूति की भावना आए, टॉलरेंस, सहनशीलता की भावना आए, एंड जस्टिस, न्याय की भावना आए। ऐसी भावनाओं की आज सबसे ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है संसार को। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डज द ऑथर ऑफ वेयर इज साइंस टेकिंग अस विश टू लिव अनदर 100 ईयर्स। जो वेयर इज साइंस टेकिंग अस के ऑथर हैं SW पेनिक्विक, उन्होंने ये विश क्यों रखी है, ये उनकी इच्छा क्यों है कि वो 100 साल और जिए, अनदर 100 ईयर्स वो और जीना चाहते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है द ऑथर होप्स दैट लाइफ विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड एक्साइटिंग इन द फ्यूचर। क्योंकि जो लेखक हैं, ऑथर हैं SW पेनिक्विक, उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आने वाली लाइफ है फ्यूचर में, आने वाली जो ज़िंदगी है फ्यूचर में, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कॉम्प्लेक्स और एक्साइटिंग होगी। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और एक्साइटिंग मतलब रोमांचक होगी जो आने वाली लाइफ है। ही वॉन्ट्स टू इंजॉय दिस टाइप ऑफ लाइफ। जो ऑथर हैं इसी तरह की लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू लिव फॉर अनदर 100 ईयर्स। इसीलिए वो अनदर 100 ईयर्स को जीना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये जो चैप्टर है आपको
अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने अपनी मेल लिखी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, khyatisethi999@gmail.com। आप इस पे मुझे कोई भी क्वेरी हो मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, sadguruinstitute999। कोई भी क्वेरी हो आप इसमें भी पूछ सकते हैं। ट्विटर अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच, कीप वॉच सतगुरु इंस्टीट्यूट।